हेलो किड्स अवे यू ऑल होप यू ऑल अ फाइन सो इन लास्ट लेक्चर लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर सिक्सटीन किया था एंड दैट वॉज एंड बट और उसके ही थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है लेट्स फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एंड और बट आपको फिल इन करना ब्लैंक्स में एंड और बट के साथ लेट्स सी नंबर वन निशा डैश आशा गो टू द टॉय शॉप क्या आएगा निशा और आशा शॉप में गए राइट उतर क्या आएगा निशा एंड आशा गो टू द टॉय शॉप तो फर्स्ट में क्या आएगा एंड ये आपको खुद से सॉल्व करना होके मैं आपको रीड करवा रही हूँ मैं आपको बोल दे रही हूँ देन यू हैव टू डू बाई इट योर सेल्फ ओके नंबर टू निशा सॉरी नंबर टू हेयर इज़ ब्लैक इन कलर डैश मिल्क इट इज़ वाइट हेयर कलर ब्लैक है पर मिल्क का कलर वाइट है पर मतलब बट हेयर इज ब्लैक इन कलर बट मिल्क इज वाइट नंबर थ्री द टीचर पनिशिश उमा डैश शी वॉज क्राइम टीचर ने उमा को पनिश किया और वो रो रही थी तो क्या आएगा एंड द टीचर पनिशिश उमा एंड शी वॉज क्राइम नंबर फोर राम गोज टू द शॉप डैश बाय अ वॉच राम गोस्ट टू द शॉप एंड बाय अ वॉच राम शॉप में गया और वॉच खरीदा नंबर फाइव कैन यू सिंग डैश प्ले द पियानो क्या तुम सिंग कर सकते हो या पियानो बजा सकते हो तब क्या लिखोगे या मतलब और कैन यू सिंग सिंग और प्ले द पियानो नंबर सिक्स राधा डैश शुदा प्ले कैरम राधा और शुदा कैरम खेल रहा है मतलब राधा एंड शुदा प्ले कैरम राधा और शुदा कैरम खेल रहे हैं मतलब और, और आएगा मतलब एंड नंबर सेवन द यंग मैन कैन रन फास्ट डैश द ओल्ड मैन कैन नॉट डू सो एक यंग मैन जल्दी जल्दी फास्ट दौड़ सकता है पर ओल्ड मैन नहीं पर मतलब बट

और क्लोथिस खरीदेगा तो क्या आएगा मोहन विल बाय क्लोथिस एंड क्रैकर्स फॉर अस नंबर टेन विल यू हैव सैंडविच डेस्ट इटली क्या आप सैंडविच लोगे या इडलीस मतलब और आएगा विल यू हैव सैंडविच और इडलीस समझ में आ गया एंड और बट कहाँ यूज होता है वॉट इट

पहला लेटर है वो है सिंपल कैपिटल लेटर और जो दूसरा है वो कर्स यू का राइट नाउ कहाँ कैपिटल लेटर यूज होता है डू यू नो कहाँ यूज होता है कैपिटल लेटर का सी कैपिटल लेटर इज यूज इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड पर्सन और प्लेस नेम कहाँ यूज़ होता है बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस पर्सन प्लेस नेम जब भी कोई भी सेंटेंस आप चालू कर रहे हो तभी हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप इधर ही देखो ना मैंने कैपिटल लेटर इज़ यूज लिखा है ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही कैपिटल लेटर किया वैसे ही जब भी आप कैपिटल जब भी आप कोई भी सेंटेंस चालू करते हो तभी हमको पहले कैपिटल लेटर से चालू करना होता है कोई भी वर्ड हो एंड पर्सन नेम और प्लेस नेम कोई भी पर्सन का नाम हो रीता गीता सीता कुछ भी हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा कोई प्लेस का नाम है दिल्ली मुंबई कुतुब मीनार ताजमहल ऐसे कोई भी प्लेस का नाम है तो हम उधर फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे सो कीप इट इन माइंड कहाँ का कैपिटल यूज होता है तीन जगह होता है पहले जब सेंटेंस चालू होता है सेकेंडली कोई पर्सन का नाम लिखते हैं तभी एंड थर्डली कोई प्लेस का नाम लिखते हैं गट इट सी आई इज ऑलवेज कैपिटल आई आई जो होता है हमेशा कैपिटल होता है ऑलवेज इट इज अ कैपिटल कहीं भी भले वो सेंटेंस में बीच में आए या पहले आए या लास्ट में आए हमेशा आई कैपिटल रहेगा कीप इट इन योर माइंड हमेशा आई कैपिटल ही रहेगा गॉट इट उसके बाद क्या है फुल स्टॉप फुल स्टॉप मतलब ये डॉट दिख रहा है इसे फुल स्टॉप बोलते हैं फुल स्टॉप हम कब यूज करते हैं जब भी कोई सेंटेंस होता है वो खत्म हो जाता है एंड हो जाता है तब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं फुल स्टॉप इज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप भी यूज होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस कोई भी सेंटेंस के एंड में एग्जाम्पल देखते हैं नंबर वन आई एम अ गर्ल सी लास्ट में फुल स्टॉप किया दिस इज अ बॉल फुल स्टॉप किया वी आर फ्रेंड फुल स्टॉप कार इज़ ब्यूटिफुल ये फुल स्टॉप हम क्यों करते दिखाने के लिए कि सेंटेंस ख़त्म हो गया अगर फुल स्टॉप नहीं है तो सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ यू you नो know, आप फ्यूचर में जब आगे जाओगे ना अगर आप फुल स्टॉप नहीं करोगे तो आपका ग्रामर में मार्क कट हो सकता है ग्रामर में इंग्लिश में सो so ये बहुत ध्यान रखना कैपिटल लेटर फुल स्टॉप में क्वेश्चन मार्क में कहीं कहाँ कौन सा मार्क आ रहा है यू हैव टू रिमेम्बर दिस ठीक है So, अभी से आप ध्यान रखना और सेंटेंस खत्म हो उसके बाद ही फुल स्टॉप लगा देना गट इट अभी आपको पता चल गया कहाँ फुल स्टॉप यूज होता है ओके नाउ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्या होता है कैन यू सी दिस ये सिंबल दिख रहा है ये क्या है क्वेश्चन मार्क इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं क्वेश्चन मार्क कब यूज़ करते हैं कोई भी क्वे सेंटेंस है जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं एट द टाइम वी यूज क्वेश्चन मार्क सी क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे और क्वेश्चन कब पूछते हैं जब वॉट हाउ वैन वाई वाले क्वेश्चन आते तब हम क्वेश्चन मार्क करते हैं इज आर ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं सी फॉर एग्जाम्पल लेट यर नंबर वन व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क तुम क्या कर रहे हो क्वेश्चन मार्क हु आर यू तुम कौन हो क्वेश्चन मार्क हाउ आर यू कैसे हो क्वेश्चन मार्क व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क आपका नाम क्या है समझ में मैंने इधर फोर क्वेश्चन पूछा व्हाट आर यू डूइंग हु आर यू हाउ आर यू वॉट इज योर नेम ये चारों क्वेश्चन के पीछे हमने क्या लगाया क्वेश्चन मार्क अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन है सो so, जहाँ भी क्वेश्चन पूछे वहीं कंपल्सरी हाव टू पुट क्वेश्चन मार्क और कहीं भी ऐसे सिंपल सेंटेंस हो उधर आप क्या रखोगे फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर में क्या कब यूज़ होगा जब भी हम कोई भी सेंटेंस चालू करते हैं तब हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं एंड आई इज़ ऑलवेज कैपिटल कोई भी नेम और पर्सन का जब नाम लिखा होता है पर्सन और प्लेस का तब हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं गॉट इट नाउ वी विल मूव टू टेक्सुअल पोर्शन अब हम टेक्स्ट बुक पोर्शन में जाएंगे लेट्स सी पे ओपन पेज नंबर सेवेंटी नाइन इन टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर सेवेंटीन कैपिटल लेटर फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क कैपिटल लेटर मतलब आपको पता चल गया किसको कैपिटल लेटर बोलते हैं मैंने आपको ए बी सी डी लिखा के दिखाया था वो कैपिटल लेटर है धैन फुल स्टॉप एवरी सेंटेंस के बाद आता है धन क्वेश्चन मार्क एवरी क्वेश्चन क्वेश्चन के एंड में आता है नाउ लुक एन रीड क्या है चलो रीड करते हैं आई एम प्रीत आई वर्क एट न्यू होप हॉस्पिटल मैं प्रीत हूँ सी आई मैंने बोला था ना आई एवरीवेयर इट इज कैपिटल इधर स्टार्टिंग है तो कैपिटल नहीं है बट मीन्स सेंटेंस बिगिन कर रहा है तो कैपिटल नहीं है बट एवरीवेयर वो कैपिटल ही आएगा क्या है आई एम प्रीत देखो आई कैपिटल हुआ इधर बिकॉज इट इज द बिगनिंग ऑफ ऑफ द सेंटेंस फिर से मैंने आपको बोला था ना किसी का नेम हो तो भी कैपिटल होगा तो यहाँ देखो पी प्रीत नाम है तो कैपिटल हुआ देन आई फिर से कैपिटल बिकॉज इट इज द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आई वर्क एट न्यू होप हॉस्पिटल मैंने आपको नाम बताया ना कोई भी प्लेस का नाम हो कोई भी पर्सन का नाम हो ये तो प्लेस का नाम है न्यू होप हॉस्पिटल तो न्यू में एन कैपिटल किया एच में होप कैपिटल किया होप में एच कैपिटल किया हॉस्पिटल में एच कैपिटल किया क्यों कैपिटल किया बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस ये एक जगह की नाम है उसीलिए हमने कैपिटल लेटर यूज़ किया दैट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड मोंटी मोंटी नाम है तो मोंटी में हम क्या यूज़ करेंगे मोंटी का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा इधर टी कैपिटल आएगा वाई बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड मोंटी में एम कैपिटल का क्यों क्योंकि ये पर्सन का नाम है वॉट इट फिर आई स्टडी इन राम लाला कॉलेज आई बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है तो कैपिटल है स्टडी इन राम लाला कॉलेज जगह की नाम है रामलाला कॉलेज सो उसमें क्या आएगा कैपिटल रामलाला में आर कैपिटल कॉलेज में सी कैपिटल क्यों कैपिटल क्या बिकॉज ये एक नेम है फिर सी हमने फुल स्टॉप भी किया है क्योंकि ये सेंटेंस खत्म हो गया है हमको कंटिन्यू नहीं करना है सो वी पुट फुल स्टॉप फिर इट इज इन दिल्ली इट आई कैपिटल है इट में क्यों है बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस इन इज इन दिल्ली दिल्ली में डी कैपिटल क्यों बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस ये एक प्लेस का नाम है सो डी उसमें कैपिटल है देन एवरी संडे ब्रीथ दैन आई गो टू इंडिया गेट विथ आवर फ्रेंड्स सी एवरी संडे क्यू e कैपिटल है बिकॉज ई इट इज द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस फिर एस क्यू कैपिटल है बिकॉज इट इज अ नेम स्पेशली नेम है ना संडे मंडे एक बार ही आता है बार बार थोड़ी आता है सो एस कैपिटल देखो प्रीत में पी कैपिटल किया हमने एंड आई मैंने आपको बताया था ना सी आई जस्ट अ मिनिट आई बीच में तो भी हमने आई कैपिटल किया क्यू बिकॉज आई इज ऑलवेज कैपिटल गो टू इंडिया गेट इंडिया गेट जगह का नाम है सो आई इंडिया में आई कैपिटल गेट में जी कैपिटल गोट इट और फिर एट लास्ट सेंटेंस खत्म होने के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया ना डिड यू डू योर होमवर्क नीना क्या तुमने होमवर्क किया क्या तुमने होमवर्क किया मैंने क्या पूछा क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछा तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क कैन यू सी दिस क्वेश्चन मार्क या नीना नीना में हमने एन क्यू कैपिटल किया आप बताओ मुझे ये बिकॉज इट इज द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस और डिड यू डू योर होमवर्क क्या आपने होमवर्क क्या क्या है क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार फिर यस मॉम मे आई गो आउट नाउ यस मॉम हाँ मम्मा क्या मैं बाहर जा सकती हूँ क्या मैं बाहर जा सकती हूँ क्या है क्वेश्चन है तो so, हमने क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार एंड फर्स्ट लेटर यू नो कैपिटल आएगा येस बट शो मी योर वर्क फर्स्ट बोला हाँ बट तुम्हारी वर्क दिखाऊ तो सिंपल सेंटेंस है तो हम क्या लगाए गए फुल स्टॉप कट इट कूड यू चेक आफ्टर आई कम बैक प्लीज बोला क्या आप मैं आऊँ फिर फिर चेक करोगे ये तो क्वेश्चन पूछा सो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क सी इधर भी आई बीच में है तो भी हमने कैपिटल किया क्यों क्योंकि आई आई इज ऑलवेज कैपिटल ओके गो एंड प्ले ओके स्टार्टिंग ऑफ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस स्टैंड उसीलिए ओ कैपिटल है फिर फुल स्टॉप किया फिर फिर जियो गो है फुल स्टॉप के बाद है उसी हमने कैपिटल किया गोट इट समझ में आ गया आपको कहाँ फुल स्टॉप यूज होता है कौन क्वेश्चन मार्क यूज होता है और कहा कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं ओके नाउ वी विल मूव अहेड, क्या लिखा है लर्न वी बिगिन अ सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर मैंने आपको बताया ना हमेशा हम सेंटेंस कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं मीन्स जब सेंटेंस लिखते हैं उसका चालू कहाँ से होता है कैपिटल लेटर से वी ऑल्सो बिगिन अ स्पेशल नेमिंग वर्ड विथ द कैपिटल लेटर कोई भी स्पेशल नेमिंग वर्ड है सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने उधर देखा हॉस्पिटल का नाम था देन पर्सन का नाम है संडे मंडे है या तो कोई जगह का नाम है सो so, हमने क्या यूज़ किया कैपिटल लेटर वी विल टॉक अबाउट आर सेल्व वी यूज द कैपिटल लेटर आई जब हम अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं तब हम आई यूज करते हैं

सो so, आज के लिए हम इतना रखेंगे एंड योर होमवर्क विल बी वो जो मैंने टेन आपको सेंटेंसेस दिए एंड और बट के वो आपको कंप्लीट करना है ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे बाय बाय एंड हैव अ गुड डे